बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सिंपली जायका के किचन में बनने जा रहे हैं छोटे बड़े सबका फेवरेट चिकन शेजवान लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप बनाना बहुत ही आसान है। इसकी असल मेहनत सिर्फ चिकन विंग से लॉलीपॉप बनाने की है। तो चलिए इसे जल्दी से हम बनाना शुरू करते हैं। लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें चिकन विंग्स चाहिए, तो हमने ये चिकन विंग लिए है और ये पूरा विंग है, और ये जो लास्ट का पार्ट है ये है विंगलेट। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे कट करके डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद जो दो पोर्शंस या दो पार्ट रहेंगे हम उसके लॉलीपॉप बना लेंगे। इसके लिए हम इसको इस जॉइंट के ऊपर कट लगाएंगे और ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो दो पार्ट है इनके हम दो लॉलीपॉप बना लेंगे। एक छोटा लॉलीपॉप बनेगा इसका और एक बड़ा लॉलीपॉप बनेगा। अब हम सबसे पहले ये जो एक बड़ा वाला हिस्सा है उसका लॉलीपॉप बना लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ से इस गोश्त को पूरा नीचे की तरफ खींच लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमें गोश्त को हड्डी से सेपरेट करना होगा। तो हम पहले गोश्त को हर तरफ से कट लगा लेंगे और इसे हड्डी से सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे हड्डी से सेपरेट करके एक तरफ खींच लेंगे। तो इसे हम इस तरह नीचे रखेंगे और उंगलियों से गोश्त को नीचे की तरफ दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त हड्डी से अलग होके नीचे की तरफ एक तरफ पूरा जमा हो गया है। अब हम जब इसे उल्टा कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये लॉलीपॉप की शक्ल में आ गया है। ये बना हमारा एक लॉलीपॉप और ये है बड़ा वाला लॉलीपॉप। इसी तरह विंग के दूसरे पार्ट से हम दूसरा लॉलीपॉप बना लेंगे जो हमने कट किया हुआ है। अगर आप इसको फील करें तो ये बाहर की तरफ से इसको एक छोटी हड्डी है और यहाँ पर ये बड़ी हड्डी है। ये जो बड़ी हड्डी है इसको हम एज अ लॉलीपॉप हैंडल यूज करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाले लॉलीपॉप में हैंडल बनाया था। इसमें जो ये छोटी वाली हड्डी है हमें इसको कट करके निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से ये हड्डी जॉइंट है, ये यहाँ पे हम इसे कट लगाएंगे। अब ये दो हड्डियां अलग हो गई है। अब जिस तरह हमने पहले वाले लॉलीपॉप में गोश्त को हड्डी से सेपरेट कर लिया था, उसी तरह इसे भी हम जो गोश्त है उसको हड्डी से सेपरेट कर लेंगे, कट लगा लेंगे और इसे अब हम नीचे की तरफ इस तरह दबा देंगे और पूरा गोश्त जो है वो हम नीचे की तरफ खींच लेंगे। ये छोटी हड्डी जो है जिसे हमने अलग किया था, इसे आप इस तरह थोड़ा सा अगर टर्न कर देंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो जाती है, निकल जाती है, जिसे हम निकाल देंगे। इस सारे गोश्त को हमने एक तरफ खींच लिया है और ये अब हमारा बन गया है दूसरा लॉलीपॉप। इसी तरह हम सारे लॉलीपॉप बना लेंगे। हमने सारे विंग्स के लॉलीपॉप बना लिए हैं। अब हम लॉलीपॉप को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, आपके जायके के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, जिंजर गार्लिक और चिली चॉप्ड 2 टेबलस्पून, काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस हम डालेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून, चिली सॉस ये भी हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे, विनेगर 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। लॉलीपॉप 1 घंटा हुए मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसके लिए बैटर बना लेते हैं। इसके लिए हम 2.5 टेबलस्पून मैदा लेंगे, प्लेन फ्लावर। इसी तरह सेम क्वांटिटी में हम कॉर्नफ्लावर लेंगे 2.5 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट डालेंगे हम इसमें 3/4 टीस्पून और 1 टीस्पून चिली पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बना लेंगे। हमें बैटर इस कंसिस्टेंसी का चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। अब इसी बैटर में हम लॉलीपॉप के पीसेस डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। अब हम इसमें सारे पीसेस डाल देंगे लॉलीपॉप के और हमने जो बैटर बनाया है उसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उसके साथ सारे पीसेस अच्छे से बैटर के साथ कोट हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक बार अच्छे से ऐसे लॉलीपॉप को बैटर में एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसे हम ऑयल में थोड़ी देर के लिए इस तरह पकड़ लेंगे। हम डायरेक्ट इसे ड्रॉप नहीं करेंगे ऑयल में, ताकि ये अच्छे से गोल शेप पकड़े। अब इसे हम ड्रॉप कर देंगे। जब हम लॉलीपॉप को डायरेक्ट तेल में ड्रॉप कर देते हैं तो ये एक साइड से फ्लैट हो जाते हैं। वो डायरेक्ट फ्लैट ना हो इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह ऑयल में पकड़ के फिर इन्हें ड्रॉप कर देंगे।
जब हम लॉलीपॉप फ्राई करने लेंगे तो इनिशियली फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो पे रखेंगे। जितने आपको डालने हैं डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर ले। हमने इन्हें 2-3 बार पलट दिया था, ये देखें बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह सारे लॉलीपॉप्स हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके लिए सॉस बना लेंगे। इसके लिए हमने एक वोक लिया है, इसमें अब हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने वही ऑयल यूज किया है जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और चिली चॉप डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 छोटी चॉप प्याज भी डाल देंगे। इसे बस हमें 1 मिनट के लिए सॉटे करना है। इसके बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें शेजवान चटनी डाल देंगे। शेजवान चटनी अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा डाल दे। और इसके साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम शुगर डाल देंगे और थोड़ा सा बस चुटकी भर इसमें कलर ऐड करेंगे हम। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे। हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप पानी के साथ ऐड किया है, मिक्स किया है। हम कॉर्नफ्लोर को अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे और जैसे ही अच्छी तरह से मिक्स होगा हम इसमें फौरन से लॉलीपॉप ड्रॉप कर देंगे और इसे सॉस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे लॉलीपॉप अच्छे से कोट हो गए हैं और इनपे सॉस का एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ग्लेज आ गया है। लॉलीपॉप बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर देते हैं। टेस्टी, यमी और सबके फेवरेट शेजवान चिकन लॉलीपॉप बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। और ये रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।